हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज का टॉपिक है करियर वर्सेस मैरिज, व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। एक्चुअली बहुत सारे क्वेरीज मेरे पास आ रहे थे, उन क्वेरीज में से सबसे बड़ा ये सवाल था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन जो इस फील्ड में है लाइफ साइंस में, वो लड़कियां हैं, और उनके पीछे जो है वो बड़ा सवाल, बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि सर पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, शादी का प्रेशर, इतना ज्यादा शादी का प्रेशर है कि सर हम पढ़ नहीं पा रहे। तो मैं दो पहलू पे इस चीज पे बात करने वाला हूँ। पहली चीज, तो अगर लिटरली आपके पास शादी का प्रेशर है तो ये वीडियो जो है आप अपने पेरेंट्स को भी भेजिएगा। तो जितने भी पेरेंट्स है, सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि नमस्ते, आपका जो बेटा या आपकी जो बेटी है, कृपया उन्हें समझें और उन्हें थोड़ा सा मोहलत दें। वो आपका नाम जरूर रोशन करेंगे, वो ना किसी गलत रास्ते पे हैं, ना ही कुछ गलत काम कर रहे हैं, अपने करियर के लिए काम कर रहे हैं। तो वो जरूर वो आपका ही नाम रोशन करेंगे, अपना भी नाम रोशन करेंगे। जैसे 20 साल, 23 साल, 25 साल बीत चुका है, 2-4 महीने उनको और भी दे दें, एग्जाम तक उनको मोहलत दें या एग्जाम कराने दें। एग्जाम के बाद आप फिर उनके लिए लड़का ढूंढें या लड़की ढूंढें, जो भी सुटेबल है आप उस हिसाब से काम करें। लेकिन एटलीस्ट जैसे इतना आपने अपने बच्चों को सपोर्ट किया है ना, थोड़ा सा सपोर्ट और कर दे, शायद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। इतना सपोर्ट आपने किया है, इतना प्यार करते हैं, मैं मानता हूं कि आपकी जिम्मेदारी है, और ये आप सोसाइटी और ऑल सब सारी चीजें मिलके जो प्रेशर क्रिएट करता है, ये आपकी ऐसी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप ऐसा करते हैं, और ये आपका हक भी बनता है, और ये हक आपसे कोई छीन भी नहीं रहा है। लेकिन थोड़ा सा आप इस चीज को देखें कि अगर आपने जबरदस्ती किसी से शादी करा दी, आप कंडीशन देख रहे हैं, न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, कितने सारे जबरदस्ती की हुई शादियां या अरेंज मैरिजेस में लोग डाउरी की डिमांड से लड़कियों को कितना हैरेस कर रहे हैं। या इसका उल्टा भी होता है कि अगर मैरिजेस सही परफेक्ट नहीं होती तो लोग सुसाइड एंड ऑल क्रिमिनल केसेस तक पहुंच जाते हैं। तो आप अपने बेटे और बेटी के साथ तो नहीं चाहते। मैं बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये चाहता हूं कि आप जो है सोसाइटी की इज्जत से पहले अपने बच्चों की खुशी को प्रेफर करें। मैं मानता हूं सोसाइटी में इज्जत बरकरार रखना करना, देखिए वो फिर आ जाएगी। अगर आप सही, आपका बेटा और बेटी आपका नाम रोशन करेगा, वो खुश रहेगा ना, आप जरूर वो इज्जत आपके साथ रहेगी। क्योंकि अल्टीमेट जब अपने बेटे को आप दुखी देखेंगे सिर्फ अपनी इज्जत के लिए, सोसाइटी के कहे हुए लोगों के लिए, जबरदस्ती कहीं तो उनको भेज देंगे और वो परेशान होके कहीं किसी भी, मैं नहीं चाहता या मैं नहीं विश करता कि ऐसा चीज हो, लेकिन किसी भी सर्कमस्टेंसेस उनका डाइवोर्स या कुछ भी ऐसा हो जाता है, या वो हैरेस होते हैं, कल को डाउरी का डिमांड होता है और वो बच्चा आपके सामने दुखी होता है, रोता है, तो सबसे पहले कलेजा आपका दुखेगा। इसलिए आप जो है पहले थोड़ा सा मोहलत दें। अगर आपका बेटा या आपकी बेटी आपसे डिमांड करता है, आपसे रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें पढ़ने दिया जाए, मैं नहीं कहता 4 साल 10 साल दे, एटलीस्ट 6 महीने 2-4 महीने उन्हें दे सकते हैं आप। थैंक यू। बाकी हम लर्नर्स के ऊपर बात करता हूं। जितने भी लर्नर्स हैं, जितने भी खासकर लड़कियां, क्योंकि लड़कों के लिए स्पेसिफिक है नहीं, बट स्टिल लड़कों पे इतना प्रेशर आता नहीं, बट लड़कियों पे थोड़ा प्रेशर आता है। बट मुझे समझ में नहीं आता आपने शादी को इतना निगेटिव क्यों समझ के रखा हुआ है। मैं मानता हूं करियर और मैरिजेस दोनों साथ नहीं चलती हैं, बट लोग शादी को जैसे सजा या जेल समझ रहे हैं। लिटरली आप अपने आप को अपने पेरेंट्स की जगह रख के देखो, आप अपने आप को अपने पेरेंट्स की जगह रख के देखो कि अगर आपके पेरेंट्स जगह होते और आपका बेटा और बेटी होता तो आप क्या करते। हर चीज की एक बायोलॉजिकल एज होती है, ये सिर्फ सोसाइटी की इज्जत और चीजों पर नहीं होता, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, उसके अलावा उनकी खुशी थोड़ी बहुत शामिल होती है सारी चीज में। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि जाओ शादी कर लो, करियर वरियर छोड़ो, करियर मत, करियर इज इम्पॉर्टेंट, बट वी आर एट दैट स्टेज, क्योंकि हम इस फील्ड में 24-25 साल अगर हैं और वो पेरेंट्स आपको जबरदस्ती थोड़ी शादी करा देंगे भाई, बांध के रिश्ता देखने में क्या होता है। मतलब नॉर्मली इस चीज को लाइट भी तो लिया जा सकता है ना। इतना हाई करके सोसाइटी ने हमारे माइंड को इस तरीके से मैप कर दिया है ना, लोगों की बातें सुन सुन के। और वो बातें क्यों, क्योंकि जब लोग इतना नेगेटिव चीजें फैला रखे कि हमें लगता है कि हम कम उम्र में शादी करेंगे तो हमारा करियर बेकार हो जाएगा। तो ऐसे कई एग्जांपल्स हैं, जाके उठा के देख लेना, जिन्होंने शादी के बाद जो है करियर बनाया। मैं यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं गिनाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बस ये बताने वाला हूँ, दुनिया में जैसे आप अच्छे हैं, कोई और इंसान तो अच्छा हो सकता है ना।
वो जरूरी तो नहीं कि आप ही ढूंढें, आपकी फैमिली भी ढूंढ सकती है। और अगर कोई इंसान अननोन है आपके लिए, इसका ये मतलब नहीं कि वो बुरा है। अननोन होने का मतलब कभी ये नहीं होता कि वो बुरा है। आप उसको जानेंगे तो डेफिनेटली आप उसको पता कर पाएंगे कि बुरा है कि अच्छा। लेकिन पहले से जजमेंट बना लेना कि हम जिसे शादी करें हम जानते नहीं, मम्मी पापा ढूंढे, अननोन है तो बुरा है या सारी कंडीशन है, फिर सोसाइटी की चार बातें, उसने अरेंज मैरिज, वो ये फलाना ढिंकाना, दिमाग में साइकोलॉजिकली इतना नेगेटिव पन बना बैठा लिया है कि आप जबरदस्ती एक नॉर्मल सी चीज को इतना हाई कर देते हैं कि स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। स्ट्रेस के चक्कर में डिप्रेशन एंड ऑल कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको मेडिसिन एंड ऑल भी लेनी पड़ती है। तो ये सिर्फ आपकी दिमाग की बनाई हुई उपज है या दिमाग की हुई उपज है, ये एक्चुअल सिचुएशन नहीं है। ये ऐसी कंडीशन नहीं है जो कि तुरंत क्रिएट हो रही है। ये फ्यूचर में आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आपके साथ रहने वाला बुरा ही होगा? ये भी तो हो सकता है कि वो अच्छा हो सकता है। इसका अल्टरनेटिव भी है, वाइस वर्सा भी है कि वो कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वो अच्छा ही होगा, बुरा भी हो सकता है, डेफिनेटली इसी बात है। लेकिन ये तो आपको भी पता है ना कि दुनिया में ज्यादा बुरे लोगों या बुरे लोगों का नंबर अच्छे लोगों से बहुत कम है। मतलब बुरे का मतलब लिटरली बुरे जो हैं, जो सच में हैरेस करते हैं या डाउरी के लिए या किसी ऐसे फालतू की चीजों के लिए आपको परेशान करते हैं, मारपीट या कोई भी कह सकते हैं कि जो एक घर का मामला होता है उनमें लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सारी चीजें, वो बहुत कम लोग होते हैं, सारे नहीं होते ऐसे। जैसे आप सुकून चाहते हैं, ऐसे जो सामने वाला है वो भी तो चाहेगा ना कि उसकी पत्नी उसके साथ सुकून से रहे। सो प्लीज जस्ट कंसीडर दिस एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आज ऐसे रिएक्ट ऐसे करते हो जैसे दुनिया में या जिंदगी में कभी शादी ही नहीं करोगे या जिंदगी में कभी कुछ करना ही नहीं है। मैं ये वीडियो आपको कन्विंस करने के लिए नहीं बना रहा हूं कि आप शादी कर दो। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप ये समझो कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इससे भाग के या इसको स्ट्रेस लेके क्यों जीना? ये आपको भी पता है कि आज नहीं तो कुछ सालों में शादी होगी, आज नहीं तो छह महीने बाद, एक साल बाद, दो साल बाद होगी। आपका खुद मन करेगा, बायोलॉजिकल है भाई, हार्मोनल है। अगर आप बायोलॉजिकली ठीक है ना, हार्मोन्स का कोई समस्या नहीं है तो मन करेगा, ये आपको भी पता है। लेकिन द कंडीशन इज लाइक इस तरीके से इतना नेगेटिव बनाओगे, फैमिली से नफरतें पाल लोगे, क्योंकि जब आप इसके लिए उल्टा सोचते हो तो फैमिली रिश्ते लेके आती है, तो आप फैमिली के लिए अगेंस्ट नेगेटिव सोचते हो, नफरतें पाल लेते हो। जब नफरतें पाल लेते हो तो बिना बात के आप पापा मम्मी से रिलेट होने लगते हो, उन्हें गलत समझने लगते हो, और जो कि आप जब बहुत उन स्टेज पे पहुंचोगे तो बहुत पछताओगे कि मैंने गलत किया अपने पेरेंट्स से। वो आपका भला चाहते हैं, उन्हें आपसे दुश्मनी नहीं है। वो चाहते हैं कि उनका बेटा बेटी जो है उनके मन से एक प्रेशर है उनकी चीजों से वो हो जाए, वो भी आपका खुशहाली भला चाहते हैं। लेकिन आप उसके लिए प्यार से उनसे मोहलत मांग सकते हैं, उनसे समझा सकते हैं। और करियर और मैरिज दोनों अलग है, एक पर्सनल लाइफ है, एक प्रोफेशनल लाइफ है, बैलेंस करने आना चाहिए। आप दोस्त बना सकते हो, आप बॉयफ्रेंड बना सकते हो, सब कुछ बना सकते हो, लेकिन जैसे शादी की बात आती है आप उसके साथ खत्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, लेकिन उसको इतना स्ट्रेस में मत लीजिए, उसको लाइफ का पार्ट समझिए। मम्मी पापा प्रेशराइज करते हैं, बोलते हैं, बोल दीजिए ठीक है आप रिश्ता देखो, अगर कोई अच्छा लड़का मिलता है तो मैं कर लूंगी आप। लेकिन आप एक डिमांड रखिएगा, बस इतनी सी डिमांड कि मैं उस लड़के से बात कर लूंगी या उस लड़की से बात कर लूंगा अगर लड़के हैं तो, जो भी है। तो आप इससे क्या होगा ना कि आपको सुटेबल लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो मना कर देना। लोग मना कर ही रहे हैं ना, ऐसा तो है ना कि फिक्स कर दिया कि भैया देखो और करो, कोई चॉइस नहीं है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि आपको जबरदस्ती बांध दिया जाए, बहुत रेयर कंडीशन में, नॉन एक्सेप्शन की बात नहीं कर। लेकिन एज अ जनरल आप अगर बोलते हो कि नहीं मुझे ये चीज पसंद नहीं आ रही है, ये पसंद नहीं आ रहा है, तो आप जो है मना कर दीजिए। उनसे प्यार से मोहलत मांग सकते हैं, ये वीडियो उनको दिखा सकते हैं। आप परेशान होइए मत, परेशान होने से चीजें नहीं होंगी, परेशान होने से सिर्फ नेगेटिव डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, पेरेंट्स के अगेंस्ट नेगेटिव एनर्जीज, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके मन में एक कुंठित भावना, एक नेगेटिव भावना लेके आएगी चीजों को लेके, चाहे मैरिजेस को लेके, ऐसा सोच के कि करियर और मैरिज एक साथ नहीं हो सकते और ये सारी कंडीशंस। तो करियर और मैरिज एक साथ लेके जाया जा सकते हैं, बैलेंस किया जा सकता है। कई लोग करते हैं, कई लोग कर चुके हैं और आप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है उससे थोड़ी देर तक बचने का। तो अगर आप चाहेंगे आप अपने पार्टनर से अपने पूरे ड्रीम्स, अपने गोल्स बताइए कि मुझे ये चीज करनी है, अगर तुम एग्री करोगे तो मैं करूंगा या करूंगी। डेफिनेटली आप उस चीज को पूरा ओपनली रखिए,
मम्मी पेरेंट्स के सामने ओपन रखिए कि हाँ मैं करियर आगे बढ़ाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अगर मुझे ऐसी फैमिली मिलेगी तो देन आई विल गो फॉर दैट। आगे पार्टनर तो बनाना है ना करियर के साथ साथ, और करियर तो हर फेज में बनता रहेगा, कभी CSIR फिर PhD फिर प्रोफेसर फिर लगे रहोगे ना, वो तो चलता रहेगा भाई। प्लीज डोंट मिक्स दीज बोथ थिंग्स, डोंट मिक्स प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, दोनों अलग अलग हैं, और दोनों को जितना अलग रख के लेके चलोगे बैलेंस करके उतना खुश रहोगे। अगर अपने पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्स करोगे तो सिर्फ टेंशन और डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अभी भी आपसे रिक्वेस्ट है, इस चीज को जितना आप हाई कर रहे हो उतना मत करिए, एक लाइट एनवायरनमेंट की तरह, जैसे आप दोस्त बॉयफ्रेंड ऐसे सारी चीजें बनाते हैं, वैसे समझिए कि एक लाइफ का हिस्सा है, मिलते हैं बात करते हैं, ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। इससे आपका स्ट्रेस लेवल डिप्रेशन लेवल सारी चीजें कम हो जाएंगी, और जब आप लाइट एनवायरनमेंट की तरह डील करेंगे तो शायद आपको पापा मम्मी बुरे भी ना लगे, एनवायरनमेंट भी बुरा ना लगे, और जिससे आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो। इससे इन सब चीजों से सिर्फ आपकी पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, और वो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि दोनों चीजें मैनेजेबल हैं प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो। अगर फिर भी आपको लगता है कोई दिक्कत है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए, होप कि मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद कर पाया हूंगा, या अगर अभी भी लगता है कि मैं पर्सनली आपकी चीजों को डील कर पाऊं या किसी भी तरीके से मैं आपकी हेल्प कर पाऊं तो मुझे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि हमेशा एक चीज ध्यान रख रहिएगा कि आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं, और जितना आप चीजों को लाइट या कूल रह के चीजें डील करेंगे उतना अच्छा कर पाएंगे। ट्राई टू थिंक इन डिफरेंट वे, एक बार अपने आप को अपने पेरेंट्स की जगह रख के देखिए, और जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं आप अपने आप को अपने बच्चे की जगह रख के देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। क्रैक करिए CSIR मेरे साथ, CSIR 2022 का एग्जाम जो है वो होने वाला है, सो इसके लिए आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे। मैं कई सारे कोर्सेज जो है वो लेता हूँ, जैसे कि आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस में आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर लाइव क्लासेस ये सारी चीज़ें मिलती हैं, जबकि आइकॉनिक में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे पर्सनलाइज्ड कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। कई सारे बैचेज हैं, बैच 2, बैच 5, बैच 7, ये सारे बैचेज में आप जुड़ सकते हैं, एंड कुछ प्लस कोर्सेज गोइंग ऑन हैं जैसे यूनिट 10 एंड 11, इन सब चीज़ें भी लर्न कर सकते हैं। आपको डेली फुल लेंथ कोर्सेज मिलते हैं, हर वीक नया बैच मिलता है, डेडिकेटेड डाउट सेशंस मिलते हैं, और आपको क्विजेस एंड एवरी कोर्सेज आपको मिलते हैं, एंड फुल मॉक टेस्ट भी आपको मिलता है बायलैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो सब्सक्राइब करिए। 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ, रेफरल कोड यूज़ करना है विरन और विरन लाइफ टू गेट द 10% डिस्काउंट। अगर आप 6 महीने के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो डिस्काउंट के बाद आपको 10,545 rupees जो है वो इसकी प्राइस हो जाएगी। आप स्पेशल क्लासेस में जुड़िए, स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसमें कई सारी चीज़ें, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस है, पोल कर सकते हैं आप, रेज योर हैंड डायरेक्टली कॉल से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कभी भी क्लास मिस कर नहीं कर सकते क्योंकि नोटिफिकेशन जाता है, लेक्चर नोट्स मिलते हैं आपको, और कहीं पर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो इसके अलावा स्पेशल क्लासेस में कई सारे स्पेशल क्लासेस है, स्ट्रेटजी देख सकते हो, OBC एंड ऑल, बहुत सारे स्पेशल क्लासेस आपको मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएंगे। और अनअकैडमी प्लस के लर्नर्स आप बनते हैं तो आस्क अ डाउट फीचर यूज कर सकते हैं, और डाउट अपना पूछ सकते हैं डायरेक्टली, डाउट सेक्शन में जाके क्रॉप करके इमेजेस को डाउट पूछ लीजिए, और 1-to-1 लाइव मेंटरशिप का सहारा भी ले सकते हैं इन द केस ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। एंड इसके अलावा एक नया कोर्स जिसके ऊपर बात करते हैं, जो कि आया है आपका प्रैक्टिस कोर्स, जिसमें हम टॉप 100 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और लर्न करेंगे कि रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस, और ये एक टॉप 100 टॉपिक्स का कोर्स है, याद करिए ये 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। रेफरल कोड आपको यूज करना है विरन और विरन लाइफ टू गेट द 10% डिस्काउंट। चलिए तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।